हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्यारी सी वर्कशीट। बहुत ही अच्छी कैलकुलेटिव वर्कशीट है। आज आपको कुछ नई चीज़ भी सीखने को मिलेगी। 46 वर्कशीट है, मैथ्स क्लास 9 हिंदी मीडियम, गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पहले हम लोग घन, घनाभ, बेलन, शंकु इनके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना? पढ़ चुके हैं कि नहीं? यस। तो चलिए गोले के बारे में बात करते हैं कि गोले के बारे में हम जानते हैं कि एक फलक वक्रीय फलक है, वक्रीय तो है, इसका एक ही पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ है ना? और चार वृत्त के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ दें, देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, चार बार हैं, जैसे ही जोड़ते हैं तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाता है। बच्चों गोले का कोई वक्र नहीं होता क्योंकि ये पूरी तरह से गोल है, चारों तरफ से एक ही सरफेस है इसका, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4πr². चलिए कोई एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए त्रिज्या दी हुई है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4πr², 4 × 22/7 कट जाएगा ये, गुणा में आर की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इकाई वर्ग इकाई में होता है, तो ध्यान रखना है ये 2 वर्ग इकाई में लिखना है। अब गोले को मान लीजिए कोई बॉल है या कोई भी गोला करा करते, उसको बीचों बीच से आप काट दीजिए, काटते हैं तो हम क्या देखेंगे, 2 अर्धगोले निकल के बाहर आ गए, है ना? कटोरी जैसी शेप है, एक वक्र पृष्ठ है और एक ये समतल टाइप का है ना, यही है ना, समतल ही तो है, ये प्लेन है, ऊपर से वृत्ताकार आकृति है लेकिन प्लेन है, समतल समांतल है, नहीं वक्र तल मतलब जिसका तल समान नहीं है। तो 2 तल इसके नजर आ गए, 2 फलक हो गए, एक वक्र फलक हो गया, एक समतल हो गया, तो यानी इसका वक्र और कुल दोनों होगा, तो अर्धगोला है, इसे क्या बोलते हैं, अर्धगोला या हेमिस्फीयर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें ऊपर का वृत्त जोड़ दीजिए 2πr² में, वृत्त और जोड़ दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, πr², तो 2 और 1 हो जाएगा 3πr², तो कुल समझ में आ गया। गोला और अर्धगोले में अंतर पता चल गया, गोला पूरी तरह से बंद है, एक ही पृष्ठ है, उसका एक ही क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले में 2 होते हैं, एक वक्र और एक कुल। अच्छा, इससे रिलेटेड सवाल कर सकते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर त्रिज्या 40 नहीं है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr², वैल्यू पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, सिंपल। ऐसे ही कुल है, 3πr² वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करते जाएंगे, सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर। मेन क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। एक अर्धगोला है, अर्धगोला का कटोरा, कटोरा घर में होता है ना, बाउल या कोई भी ऐसी कटोरे, कोई भी कटोरे देख लीजिए, अर्धगोलाकार चपटी ना हो नीचे से, और वो इतनी मोटी है 0.25 सेंटीमीटर, त्रिज्या अंदर की त्रिज्या कितनी है 5, और यहाँ अब बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 5 में 0.25 जोड़िए, ऐसे जोड़ते हैं ना, ये आ जाएगा 5.25, ये बड़ी त्रिज्या है और छोटी त्रिज्या है 5। पूछा क्या है, पूछा है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक मतलब कि अंदर का, अंदर वाले गोले का, बाहरी मतलब कि बाहर वाले गोले का, और कुल, कुल मतलब कि अंदर और बाहर दोनों जोड़ दो, और ऊपर जो ये दिख रहा है ना रिंग, रिंग है ना इस तरह का शेप, इसको देख लो, इसका निकालना है। रिंग मतलब क्या होता है, रिंग मतलब बाहरी वृत्त में से अंदर का वृत्त माइनस करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अंदर के आंतरिक वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का क्या होता है बेटा, 2πr², आंतरिक वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr². अभी तो पढ़ा था हमने अर्धगोले का, 2π की वैल्यू हमें 3.14 ही लेनी है जो बोला गया है, अगर नहीं बोला जाता है तो 22/7 लेंगे, लेकिन बोल दिया है तो 3.14 लेंगे। r है 5 और 5, अंदर का r तो 5 ही है ना, r जो है आंतरिक 5 ही तो है, 5 सेंटीमीटर, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए गुणा, आंसर आ जाएगा। अच्छा इकाई ध्यान रखना है आपको, बार बार बता रहे हैं, अर्धगोला ही अभी भी बाहरी निकालना है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, वो भी यही होगा, बस बाहर की त्रिज्या होगी, अब इस बार त्रिज्या है 5.25, यही है ना, अब ये हम इनको वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल मतलब कि आंतरिक को और बाहरी को ले लो जो हमने निकाल ही लिया था ये, और साथ में रिंग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो ये है आंतरिक, ये है बाहरी। रिंग का क्षेत्रफल होता है बेटा बड़े आर में से छोटे आर के क्षेत्रफल को घटा दो, तो हम देख रहे हैं कि पाई मतलब बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को घटा देना, पाई कॉमन ले लेते हैं, r² - r², ठीक है, तो पाई, पाई तो हमें पता है कितना है, r कितना है बड़ा वाला 2.15 स्क्वायर,
और 5 का स्क्वायर। अब इसको करोगे गुणा, फिर घटाओगे, इससे बड़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस करेंगे तो 10.25 होगा, माइनस करो इसमें से तो 0.25 आ जाएगा, 5 से 5 हट जाएगा और ये गुणा हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ये गुणा आ गए। तो यानी अब इसको इसको गुणा कर देंगे 22 के, पाई की वैल्यू डाल के, यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये था आंतरिक, ये है बाहरी और ये है रिंग का, तीनों को जोड़ने पे ये आएगा। सारा का सारा किस चीज़ पे था बेटा, सब के सब कैलकुलेशन थी। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर करना है, अच्छे से ट्राई करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान है ये, किसी में भी पाई का मान नहीं पूछा दिया हुआ, तो हम पाई का मान हर सवाल में 22/7 लेंगे, ठीक है बेटा। पाई बराबर कितना लेंगे, 22/7। 21 सेंटीमीटर व्यास वाले अच्छा इसमें व्यास दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहाँ व्यास की जगह त्रिज्या, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जो है यहाँ पे त्रिज्या लिखा हुआ है, तो आप वही कर लीजिए, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1। तो त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। साथ में हम आपको 11 के गुणा भी सिखाएंगे, तो क्या निकालना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं, 4πr² होता है, 4π है 22/7, r है 21 गुणा में 21, ध्यान रहे वो व्यास नहीं त्रिज्या लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, इसको इससे काटते हैं, 3 आएगा, तो ये हो गया 4, 22 को आप तोड़ दीजिए, 11 गुणा 2 और ये हो गया 21 63, तो 11 ही लिखते हैं हम, 4 × 8, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 3 = 24, 8 × 6 = 48 और 2 = 50। अब देखिए 11 की गुणा कैसे होती है, इस 4 को तो हम ऐसे उतार देंगे, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, फिर 0 में 5 जोड़ना, अगली रकम जोड़ते जाने हैं, 5 आ गया, और फिर आगे वाला अंक उतार देंगे, आगे और पीछे वाले अंक तो हमें उतार नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 11 की गुणा हर सवाल में आएगी, देखते जाओ, आराम से समझ में आएगा आप लोगों को, साथ में सवाल भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला, इस बार ध्यान रखना अर्धगोला है, वक्र और संपूर्ण दोनों निकालना है, तो त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कवर्ड सर्फेस एरिया, 2πr² था, यही था ना, तो चलिए करते हैं, 2 × 22/7, आर है 21 × 21, फिर से हम वही करेंगे 11 की गुणा में, हम इसको क्या करेंगे 11 22 को तोड़ देते हैं, 2 × 11 21 63 हो गया ये, अच्छा 11 गुणा में ये 4 हो गया, 4 को इससे गुणा कीजिए, 4 से कीजिए, 4 × 3 = 12 = 24 और 1 = 25। अब फिर से सीखिए, तो चलिए सीखिए, पहले 2 उतारेंगे, फिर 2 और 5 = 7, और फिर 5 और 2 = 7, और फिर लास्ट वाला अक्षर 2, ये आ गया जी 2 × 7 = 2 cm². आप इसको चेक करते रहिएगा, आपका आंसर आ गया है। तो ये था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 3πr². सवाल ऐसा ही है, 3 × 22/7, r है 21 21, काट दें इसको, फिर 22 को वैसे तोड़ देते हैं हम लोग, आसान है ना, 11 गुणा 2 और ये हो गया 3, यहाँ पे है ही 21 × 63, तो ये हो गया 3 × 6 6 को इससे गुणा कीजिए, 6 × 3 = 18 36 और 1 = 37, यही आएगा। चलिए गुणा करते हैं, 8, फिर क्या होगा 8 और 7 15, 15 का एक ज़्यादा हो गया ना, एक को हाथ में रखना है, 7 और 3 10, 10 और 1 11, फिर एक ज़्यादा है, इस 3 में एक जोड़ दीजिए, तो 4 1 5 8 cm² आ गया। आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा, तो चलिए समझते हैं आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3।
हाँ तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, गोले की त्रिज्या निकालनी है, पृष्ठ दे रखा है 154, गोला ध्यान रखना है गोला, तो हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ये 154 दे रखा था, यही था ना, चेक कर लें क्या। हाँ 154 है, तो 4π है 22/7, आर नहीं है 154, तो आर कितना होगा बेटा 154, जो 7 नीचे वो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4 × 22, 22 7 तो 54 होता है, आर स्क्वायर बराबर 7/2, 4 भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर कितना आया, आर आ गया हमारा 7/2, यानी 3.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखना रेडियस है क्षेत्रफल नहीं, सेंटीमीटर में ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन फोर, चलिए देखें, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लंबवृत्त है बेलन, ये बेलन देखिए बेटा, ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है बेलन की, यहां से तो अगर हम गोले को देखें, गोला पूरे इसमें समा रहा है, तो इसका व्यास का आधा कर दें तो यानी त्रिज्या बराबर है ना, यानी कि अगर हम देखें तो बेलन की त्रिज्या ही गोले की त्रिज्या है, और जो गोले की या डायमीटर व्यास देखिए वो इसकी ऊंचाई है, यानी बेलन की ऊंचाई हो जाएगा 2 × r, और r है 7, 2 × 7 14 सेंटीमीटर, तो ये दो बातें तो हमें पता लगे कि बेलन और गोले की त्रिज्या समान है। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और बेलन का वक्र, चलिए करते हैं। पहले तो हम ये लिखते हैं कि त्रिज्या कितनी है, बताइए कितनी है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, किसकी है ये, बेलन की, तो हमें पता है कि जो बेलन की त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि गोला पूरा उसमें समा गया है ना, यानी आर है और वो भी 7 सेंटीमीटर है। अब बेलन की ऊंचाई यानी एच वो व्यास के बराबर है, और व्यास होता है 2 × r, यानी 2 × 7 14 सेंटीमीटर, और आर भी हो गया ये भी हो गया, तो चलिए पहला पार्ट करते हैं। पहला क्या बोला गया पढ़ लें बार दोबारे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 4πr², 4 × 22/7, और आर तो 7 ही है, ये इससे कट गया, अच्छा 22 को फिर से लिख लेते हैं 11 × 2, और ये 4 तो है ही, 4 × 7 = 28, ये हो गया, अब इसको भी इससे कर दो, 11 × 28 = 56, अब 11 कैसे सीखेंगे हम बताइए, 6 उतारेंगे, 6 और 5 = 11, एक हो गया हासिल, और वो इसमें जोड़ देंगे लास्ट वाले में, तो ये आ गया। अब क्या पूछा है सेकंड पार्ट, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखें क्या यही पूछा है, हाँ जी यही पूछा है, क्या होता है 2πr h, याद है ना आपको, 2 × 22/7 × r है 7, और h हमने अभी निकाल ही लिया 14, तो इससे ये कट गया, फिर हम 22 को तोड़ देते हैं 11 × 2, और ये हो गया 14 × 28, ये तो सेम ही आंसर आ रहा है, 28 × 56 देखिए सेम आ गया, तो यानी 616 सेंटीमीटर² आ गया, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि बेलन का वक्र और गोले का वक्र पृष्ठ बराबर होगा पृष्ठ क्षेत्रफल, अगर गोला उसमें पूरा आता है तो। इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है, देखिए आसान थी, कैलकुलेशन था आज, 11 का गुणा भी सीख लिया आपने इसमें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।